तो दोस्तों अब ये बात सुनकर आपको बेहद ही ज्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि भारत की पहली RRTS ट्रेनों का ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है और अब ये हाई स्पीड ट्रेनें पब्लिक के लिए बहुत ही जल्द ऑपरेशनल कर दी जाएगी। दरअसल जिसको नहीं पता है कि RRTS क्या है तो मैं उसको जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांजेक्ट सिस्टम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हाल ही में इसका इनॉग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये RRTS ट्रेनें मेड इन इंडिया ट्रेन है और ये बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो RRTS ट्रेनों की रफ्तार है वो 180 किलोमीटर प्रति आर की है और भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी जो रफ्तार होगी वो 220 किलोमीटर प्रति आर की होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनकी स्पीड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरह ही इस RRTS कॉरिडोर को बनाया गया है दिल्ली से लेके मेरठ के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में RRTS ट्रेनों का ट्रायल रन किया गया था जहां पर इन ट्रेनों को अपनी मैक्सिमम स्पीड जो कि 180 किलोमीटर प्रति आर की रफ्तार से चलाया गया था और साथ ही ये ट्रायल रन सक्सेसफुल भी हुआ था। ये RRTS ट्रेनों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एल्स्टॉम कंपनी को दिया गया था। एल्स्टॉम कंपनी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और उन्होंने भारत के लिए काफी ज्यादा हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक ट्रेनें बनाई हैं। तो दोस्तों ये जो RRTS कॉरिडोर भारत में बनाया गया ये हमारे लिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर होने वाला है और अब तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ इसका ट्रायल रन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब ये पब्लिक के लिए बहुत ही जल्द ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि कब ये पब्लिक के लिए ऑपरेशनल होने वाला है। भारत की ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि RRTS ट्रेन, इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये काफी ज्यादा एनर्जी इफेक्टिव है यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करती और ये खास बात तो बुलेट ट्रेन में भी नहीं है। दिल्ली से मेरठ के बीच में ये जो RRTS कॉरिडोर बनाया गया है इसकी जो लेंथ है वो 81 किलोमीटर की है और यहाँ पर 22 से भी ज्यादा स्टेशन को बनाया गया है। भारतीय रेलवे आज काफी सारे प्रयास कर रही है अपने पैसेंजर्स को प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और आज इसी रीजन की वजह से भारत में काफी सारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो RRTS कॉरिडोर या फिर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो दोस्तों RRTS ट्रेन सेट्स को लाइट वेट एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसी रीजन के वजह से ये ट्रेन काफी ज्यादा हल्की है जो कि इसको स्पीड पकड़ने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और अब तक भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी की कोई भी ट्रेन नहीं बनी है और अब होपफुली आने वाले 1 से 2 महीने में RRTS कॉरिडोर पब्लिक के लिए ऑपरेशनल हो जाएगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेल के ऊपर। इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।